और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर अब संजय राउत का बयान सामने आया है। वाजे को गिरफ्तार किया गया है और जांच हो रही है। संजय राउत ने कहा कि दोषी को सजा होगी, महाराष्ट्र में कानून का राज है, शिवसेना का राज है और शिवसेना है तो ऐसे में कानून का राज है। संजय राउत की ओर से ये कहा गया कि अब जब सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो गई है, ऐसे में जांच आगे जा रही है और जो भी सही होगा वही फैसला लिया जाएगा। और कहा कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अगर दोष सही पाए जाते हैं तो सजा होगी। हमारे साथ शिवसेना नेता संजय राउत साहब हैं। संजय जी, जिस तरह से जो एनआईए जांच कर रही है, सचिन से पूछताछ चल रही है, उस पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको अगर अरेस्ट कर लिया तो जांच हो रही है, एटीएस भी जांच कर रही है। महाराष्ट्र में कानून का ही राज है, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी कुछ भी करें, कानून का राज है और कानून से ही काम होता है। अगर किसी ने अपराध किया है, चाहे कोई भी, हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन ये सीधे तौर पर शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, अपोजिशन भूमिका को लेकर अपोजिशन है। देवेंद्र फडणवीस जी है तो आरोप तो लगाएंगे, हमें भी अब आदत है, आरोप लगाओ, जो पॉसिबल है हम उस पर जवाब देते हैं, कहीं तो छोड़ देते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो बीजेपी का कहना है कि आपने कार्रवाई नहीं की, आखिरकार एनआईए को कार्रवाई करनी पड़ी। देखो, एनआईए को आने की जरूरत नहीं, एटीएस के पास जांच का जिम्मा गृह मंत्री ने दिया था, एटीएस जांच कर रही थी, भाग भाग कर एनआईए वहाँ घुस गई, क्या जरूरत थी क्या? धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो भी आपने शिवसेना नेता संजय राउत का ये बयान सुना, उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी, महाराष्ट्र में कानून का राज है। हालांकि तमाम शिवसेना के जो बड़े लीडर हैं, खुद संजय राउत भी पहले सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर सवाल उठा चुके और कहा कि इतनी जल्दबाजी में एनआईए को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थे, नहीं करना चाहिए था गिरफ्तार। और आज संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है, जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। आपको बता दें, मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में सचिन वाजे का नाम सामने आया है और एंटेलिया के बाहर जो जिलेटिन की छड़े वाली स्कॉर्पियो थी, कहा जा रहा है कि उसके पीछे भी सचिन वाजे का हाथ हो सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एनआईए अब जांच कर रही है, एटीएस भी उसके साथ जांच कर रही है और एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं, आपको बता दें सचिन वाजे। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इंडिया न्यूज